सोनम फ्रॉम मैथ्स वर्ल्ड। आज हम क्लास 9th की सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट जो कि नंबर सिस्टम है उसको स्टार्ट करेंगे। तो नंबर सिस्टम्स में आज हम सिर्फ रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैं आपको पहले फ्लो चार्ट के थ्रू बता रही हूँ, फिर बाद में फ्लो चार्ट के बाद में वन बाय वन आपको हर एक को एक्सप्लेन करूँगी। तो देखो आपका रियल नंबर्स दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला आपका रैशनल नंबर है, दूसरा आपका इरेशनल नंबर है। जो आपके रैशनल नंबर हैं वो भी दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, पहला फ्रैक्शंस एंड सेकंड इंटीजर्स। इंटीजर्स भी आपको दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और क्या आपके होल नंबर्स होते हैं। और जो आपके होल नंबर्स होते हैं, आपके जो होल नंबर्स होते हैं वह भी दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, जीरो और नेचुरल नंबर्स। अब देखो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर से स्टार्ट करेंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो ये तो आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो दीज नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to infinity। मीन्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 से लेके 1, 2, 3 and so on till infinity तक होते हैं। अब सेकंड क्या है आपके? होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? ये आपके 1, 2, 3 till infinity तक तो होते ही हैं, साथ में इसमें क्या लग जाता है? जीरो। मीन्स इसमें नेचुरल नंबर का सेट भी होता है। मतलब ऐसे नंबर्स जो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं वह आपके कौन से नंबर्स होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। अब थर्ड है आपका इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इट इंक्लूड्स नेचुरल नंबर एंड देयर इनवर्स। मीन्स यह आपके क्या होते हैं? नेचुरल नंबर तो होंगे ही होंगे, 1, 2, 3, 4 and so on। यहाँ पर आपका क्या होता है? जीरो। अब इसके इन्वर्स, इन्वर्स मीन्स यहाँ पर -1, -2, -3 and so on। मीन्स आपने क्या समझा कि आपके नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, साथ ही साथ जीरो भी होता है। अब नेक्स्ट की बात हम करें, क्या है आपका? रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होता है? तो ऐसे नंबर्स, लिखा है यहाँ पर द नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। मीन्स ऐसे नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मैंने लिया यहाँ पर 3 upon 4। तो देखो ये 3 upon 4 ये क्या है? रैशनल नंबर है। मैंने बोला 1 upon 2, ये भी एक क्या है? रैशनल नंबर है। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 लिखा, तो क्या एक रैशनल नंबर है? तो ये है। क्यों है? क्योंकि इसके अपॉन में हम 1 तो लिख सकते हैं, माई मीन्स हम 2 को पी अपॉन क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए 2 भी आपके यहाँ पर क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं, नेक्स्ट है आपके रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो इट कंटेन ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। मतलब ऐसे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें आपके रैशनल नंबर भी होंगे, इरेशनल नंबर भी होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ की नंबर लाइन, यहाँ पर क्या होगा? 0, 1, 2, 3 and so on। यहाँ पर -1, -2, -3 मीन्स आपके इसमें नेगेटिव इंटीजर्स भी होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होंगे, इन्हीं को हम रैशनल नंबर्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या समझा? ऐसे नंबर्स जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो क्या होते हैं? आपके रियल नंबर्स होते हैं। अब बात करते हैं हम प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो दीज नंबर्स आर ग्रेटर देन 1 एंड ओनली फैक्टर्स आर 1 एंड इटसेल्फ। मीन्स ये ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से बड़े होते हैं और इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो खुद होते हैं और दूसरा फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। जैसे कि मैंने 2 लिया, 2 एक प्राइम नंबर है। क्यों प्राइम नंबर है? क्योंकि देखो 2 किसी के भी टेबल में नहीं आता है, तो इसका फैक्टर एक तो 1 ही होगा और दूसरा क्या होगा? 2 होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे? आपके प्राइम नंबर हो जाएंगे। जैसे मैंने बोला 7, तो देखो 7 भी किसी के 12 में नहीं आते, तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा और 7 होगा। आया समझ में? ये था प्राइम नंबर आपका। अब नेक्स्ट की बात करें हम, क्या है आपका? कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? तो दीज नंबर्स हैविंग फैक्टर्स मोर देन 2। मीन्स ये ऐसे नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं। मतलब क्या कि देखो हमने अभी क्या पढ़ा था कि प्राइम नंबर्स में ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो खुद होगा और एक 1 होगा। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिया 4, तो देखो 4 के देखो फैक्टर क्या क्या आ जाएंगे? ये 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, तो इसके 3 फैक्टर्स आए। जैसे मैंने लिया यहाँ पर 8, तो ये देखो 1 के टेबल में भी है, 2 के टेबल में भी है, 4 के टेबल में भी है, 8 के टेबल में भी है। मीन्स इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, वह क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो देखो ये तो रही मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो जो मैंने आपको बताई है। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपकी एक्सरसाइज की होगी 1.1 की, तो आप उसके देखने के लिए वह वाली वीडियो देखें। और यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।